मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इंग्लिश स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि अपन लूसन की किताब से प्रीपोजिशंस कर रहे थे और 90 तक अपन कर चुके हैं, चलिए 91 से स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आपको डायरेक्ट इनको याद रखना है तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए, हिज ग्रेट प्राइड इन, प्राइड इन होता है इंग्लिश में किसी बात पे गर्व होना, प्राइड इन बुद्धिमानी की बात नहीं है, ठीक है। अपने हेल्थ पे घमंड होना, प्राइड होना कोई भी समझदारी का काम नहीं है, तो फ्लेश होगा तो प्राइड इन होता है इंग्लिश में। 92, डैश एडवाइजिंग मी ही गिव मी मनी। ओके, इंग्लिश में एक्चुअली प्रीपोजिशन होते हैं जो एक जैसे स्पेल होते हैं लेकिन हल्का सा फर्क होता है। देखिए, एक तो होता है डिसाइड्स, एक होता है डिसाइड। इसमें एस लगता है, इसमें एस नहीं लगता। इसका तो मतलब होता है अगला, नेक्स्ट, कोई भी आपसे अगला। इसका मतलब होता है इसके अलावा भी, क्लियर है, साथ साथ। तो उसने मुझे सलाह भी दी, बिसाइड्स ये आएगा एस लगा, बी ई एस आई डी ई एस। उसने मुझे सलाह भी दी और उसने मुझे पैसे भी दिए थे, ही गेव मी मनी, पास्ट सिंपल टेंस से। इसका तो मतलब होता है नेक्स्ट, अगला, बिसाइड मी। इसका मतलब होता है इसके साथ साथ, इसके अलावा भी, मतलब दो ऑप्शन आप कह रहे हैं। मान लीजिए कोई कह रहा है कि मैं घर पे काम भी करता हूँ और मैं कोचिंग्स में भी पढ़ाता हूँ, तो बिसाइड्स हो गया, घर पे काम के अलावा मैं कोचिंग्स में भी पढ़ाता हूँ। इसका मतलब होता है कि मोहन मेरे से अगला बैठा है, बिसाइड। तो इसमें एस से आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो बिसाइड्स एडवाइजिंग मी, मेरे को सलाह के अलावा उसने मुझे पैसे भी दिए थे, पास सिंपल टेंस है। 93, आई एम ट्रू टू, किसी चीज के लिए ईमानदार होना, ट्रू के बाद टू लगाना था, पब्लिशर, मैं पब्लिशर को लेकर बिल्कुल ईमानदार हूँ, तो आई एम ट्रू टू द पब्लिशर। 94, ही हैज बीन लर्निंग म्यूजिक, समय लगा, क्लियर है, और टोटल ड्यूरेशन आई है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ही हैज बीन लर्निंग, वो म्यूजिक को सीख रहा है फॉर टू इयर्स, क्लियर है। टोटल ड्यूरेशन होती है अपन फोर लगाते हैं इंग्लिश में, स्टार्टिंग समय होता है अपन सेंस लगाते हैं। 95, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। एक्चुअली पार्ट के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक तो पार्ट का मतलब होता है किसी से जुदा होना, ठीक है, तो वो तो होता है पार्ट फ्रॉम। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि मोहन पहली बार अपनी फैमिली से जुदा हो रहा है, तो पार्ट फ्रॉम हिज फैमिली। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मुझे पैसे में बंट करना है, मुझे पैसे में कोई भी हिस्सेदारी देना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो द पार्ट विथ, ये काफी बार पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हिस्सेदारी की बात है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू पार्ट विथ मनी, ये मेरे लिए टफ है कि मैं पैसे में बंटवारा करूँ, तो पार्ट विथ मनी। किसी जुदा होने की बात है, पार्ट फ्रॉम, कोई हिस्सेदारी की बात है, कोई ऐसी चीज है जिसमें बंटवारा करना है, तो पार्ट विथ, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले भी काफी बार पूछा जा चुका है। 96, द यंग मैन वॉज किल्ड बाय अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल के द्वारा, विथ अ नाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, विथ अ नाइफ, नाइफ की मदद से, क्रिमिनल के द्वारा, तो बाय अ क्रिमिनल विथ अ नाइफ होगा। 97, ही विल बिकम अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम टुमारो। ओके, यहाँ पे आप सोचोगे सिंस क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं आपको अभी बताता हूँ, यहाँ पे आपको लगाना है फ्रॉम। एक्चुअली ही विल बिकम अ रेगुलर, वो एक रेगुलर स्टूडेंट बनेगा कल से। तो यहाँ पे एक तो बात फ्यूचर की है, अगर ऐसा होता कि वो पिछले हफ्ते से कल से एक रेगुलर स्टूडेंट बन चुका है, तो यहाँ पे अपन सिंस लगाते, क्योंकि एक्शन अभी भी चल रहा है, कल से ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक तो बात इसमें फ्यूचर की है, और दूसरा कारण है इसमें बिकम भी आया, तो ही विल बिकम अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम टुमारो, बात फ्यूचर की, इस पॉइंट से आप पकड़ लेना, इसलिए फ्रॉम टुमारो लगाएंगे, सिंस टुमारो नहीं आएगा। अगर बात पास्ट की होती, एक्शन चालू हो चुका होता, तो अपन सिंस लगाते, ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सिंस नहीं लगाना है। 98, he has been unwell since Saturday, ये आएगा क्योंकि वो अनवेल है, क्लियर है, सैटरडे से उसकी तबीयत सही नहीं है, तो सिंस आएगा, यहाँ बात फ्यूचर की थी इसलिए फ्रॉम आ गया। 99, he was staying at विला, स्टेट के आगे इन आता है, ठीक है, सिटी के आगे इन आता है, स्कूल के आगे एट आता है। अगर आप अपने शहर की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने जिस जगह आप रहते हैं कॉलोनी की बात करें, एट लगाना है, ठीक है। मान लीजिए कोई कह रहा है एट रतनाड़ा इन जोधपुर, छोटे जगह के लिए एट लगता है, तो बिहार पड़ा है, इन आएगा, उस विलेज जजवार, ये छोटा विलेज है, एट लगेगा बिहार के मुताबिक। और विलेज के आगे एक्चुअली अपन इन लगाते हैं इंग्लिश में, लेकिन एक्चुअली बिहार के आगे इन लगेगा, तो छोटे प्लेस के आगे एट लग जाता है, तो छोटे प्लेस के आगे अपन एट लगाते हैं, बड़ी जगह के आगे इंग्लिश में लगाते हैं, एट जयपुर, एट जोधपुर, इन इंडिया, अदरवाइज अपन क्या बोलते हैं, इन जयपुर, इन जोधपुर, लेकिन इंडिया भी आ रहा है साथ में, तो अपन को जयपुर या जोधपुर का आगे एट लगाना पड़ता है, क्योंकि इंडिया के मुताबिक वो छोटे हैं,
ठीक है, तो एट जोधपुर इन इंडिया. द ट्रेन इज बिहाइंड या ऑन. बिहाइंड का मतलब वो लेट है, ऑन मतलब समय पे, दोनों लग सकता है. तो द ट्रेन इज ऑन टाइम, ट्रेन समय पे है. द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम, ट्रेन जो है समय से लेट है. चलिए, कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछिए, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है, और इनको एक बार प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये. कमेंट करिएगा कोई डाउट होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.